अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। गणेश नाइक का ऐलान, नई मुंबई मनपा में लहराएगा बीजेपी का झंडा, बनाएंगे अपना महापौर, मंदा महात्रे ने दिया समर्थन। वंदे 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 भारतीय जनता पार्टी चा। महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुकी भारतीय जनता पार्टी हर हाल में मनपा में सत्ता बचाने में जुटी है। नेरुल में आयोजित दो दिवसीय राज्य परिषद में भाजपा नेताओं के बयानों से इसका साफ संकेत दिखाई दिया। सबसे ज्यादा जोर राष्ट्रवादी कांग्रेस से छीनी गई नई मुंबई मनपा की सत्ता बचाने पर रहा। राका छोड़कर भाजपा के विधायक बने गणेश नाइक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भरोसा दिलाया कि नई मुंबई मनपा में बीजेपी सत्ता हासिल करेगी और अपना महापौर बनाएंगे। या शहरामध्ये साधारण एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यामध्ये निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत। मी विनम्रपण सांगेन की ह्या शहराची जी प्रगती झाली, या शहरामध्ये सुजान जनता राहते, इथला पत्रकार सजग आहे, इथले नागरिक सजग आहेत, इथे कोणी कोणाला चोर आणि कोण लुटारू म्हणून त्या ठिकाणी कोणाकडे बघत नाही। विश्वासाने चाललेलं हे जनसामान्यांचं कार्य, हा रथ प्रामाणिकपणे सर्वांनी ओढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि म्हणून मी एकच सांगेन, नड्डा साहेब आपली राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाली, चंद्रकांतदादा पाटील आपली प्रदेशाचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली, आपल्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई ही नंतरच, म्हणजे संभाजीनगर आहेच, परंतु मी विश्वासाने सांगतो, विनम्रपणे सांगतो, अहंकाराने नाही, ही महापालिका भारतीय जनता पक्षाच्या झेंड्याखालीच त्या ठिकाणी महापौर होईल असा विश्वास व्यक्त करतो। गौरतलब है कि नवी मुंबई भाजपा दो हिस्सों में बटी हुई है। एक खेमा जहां गणेश नाइक का है, वहीं दूसरा खेमा बेलापुर की विधायक मंदा मात्रे का है। दोनों में भयंकर मतभेद हैं। ऐसे में दोनों नेताओं ने अपने तौर पर परिषद में जीतने का भरोसा दिलाया। मंदा मात्रे ने नाइक के दावे पर दावा ठोकते हुए कहा कि एनएमएमसी में जब तक भाजपा की सत्ता नहीं लाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। आप खुद ही सुन लीजिए। सर्वप्रथम मी प्रदेश कार्यकारिणी धन्यवाद देईन कि महाराष्ट्र मध्ये नव्या मुंबईची निवड करून आम्हाला कार्यक्रम दिल्याबद्दल मी मनस्वी त्यांचे आभार मानते कि इतका मोठा कार्यक्रम माझ्या मतदारसंघात दिल्याबद्दल साहेब आपल्या सर्व कमिटीचे मी मनापासून धन्यवाद देते कि ही संधी आपण आम्हाला उपलब्ध करून दिल्याबद्दल। दुसरा असं आहे साहेब, आपलं सर्वांचं मनापासून मी हार्दिक स्वागत करते आणि त्याचप्रमाणे येणारी महानगरपालिका याच्यावरती भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा लावल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। फिलहाल देखना होगा कि सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के लोभ में कितने भाजपाई गणेश नाइक और मंदा मात्रे के साथ टिके रहते हैं और कितने कमल निशान पर चुनाव लड़ते हैं और किसका महानगर पालिका में झंडा लहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।